नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में भले ही सुरक्षा के कई कानून बनाए जाते हैं, सरकार सुदखोरी कानून के तहत कार्रवाई का दावा करने का दम भरती है, बावजूद इसके सूबे में सुदखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि कभी प्रदेश में सुदखोरी के दंश के चलते पूरा परिवार तबाह हो जाता है, तो कभी परिवार तिल तिल कर मरता है। एक नहीं बल्कि न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके सुदखोरों का सुदखोरी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज चर्चा सुदखोरी के इसी रैकेट को लेकर, चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सुदखोरी के खिलाफ तमाम कानून होने के बावजूद सुदखोरी पर शिकंजा कस पाना मुश्किल हो रहा है। नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग आत्महत्या के लिए तक मजबूर हो जाते हैं। ताजा मामला रतलाम में सामने आया है, जहां सुदखोरों ने महिलाओं को इतना परेशान कर दिया कि वे अपनी गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंची। कलेक्टर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामला पुलिस को सौंपा। चलिए अब आपको बताते हैं, कभी सुदखोरी के शिकंजे में अगर फंस जाते हैं तो क्या करें। नजदीकी थाना पहुंचकर शिकायत करें, जनसुनवाई में भी शिकायत कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन आए। सुदखोरी की शिकायत पर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। आज दो महिलाएं आई थी नगर निगम में, वो सफाई कर्मी हैं दोनों बहनें। उनका ये था कि वो दोनों ने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था कोई मिस्टर सतवानी से, और उसके अगेंस्ट में जो मोटी उन्होंने बात बताई है, दोनों पक्ष को बिठा बुलाया था, तो 2.5 लाख के अगेंस्ट में एक से उसने 6 लाख रुपए ले चुका है अब तक के, और एक से 9 लाख रुपए ले चुका है ब्याज के रूप में और मूल के रूप में। और इसके अलावा ये भी ज्ञात हुआ है कि संबंधित के चिए को जो ATM कार्ड इत्यादि थे परिवार के, वो भी सतनानी ने ले रखे हैं। अभी दोनों को बैठा के बातचीत करी है, CSP को बुलाया है, और जो सूदखोर है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। 4 साल पहले ठाकुरदास सतवानी से हमने 3,40,000 रुपये लिए थे 1.5% के उस पर, और ATM और चेक उनके पास ही है। हमारी सैलरी 15,000 रुपये आती, वो पूरी रखते हैं। अब हमने उनसे पूछा कि भाई ब्याज के बदले कितना इकट्ठा हो गया हमारा पैसा, तो बोले अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। आप सभी लोग क्या उनके काम करते हो, क्या करते हैं? कोई काम वाम नहीं करते हैं, नगर निगम में कच्चों में नौकरी है हमारी, और हमने उनसे शादी में पैसे लिए थे, इतनी व्यवस्था तो घर में रहती नहीं है, और 1.5% के उस पर दिए भी थे उन्होंने। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारा वो कब तक देंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सुदखोरी ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। 12 जनवरी 2023 को भोपाल के एक ठेकेदार ने आर्थिक तंगी और सुदखोरी से परेशान होकर परिवार समेत आत्महत्या कर ली थी। ऐसे कई परिवार असमय काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि मामले सामने आते हैं और फाइलों में दफन हो जाते हैं। अब रतलाम केस में आगे क्या होगा देखना होगा। रतलाम से अमित निगम के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और हमारे साथ गुना से मोहन बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, जिस तरह से सुदखोरी का मामला सामने आ रहा है, तमाम कानून है उसके बावजूद जो है सुदखोरों की जो दबंगई है उनका जो खेल है ये चालू है, क्या कुछ और इस पर जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गुना जिले में बड़े ही लेवल पर जो सूदखोर हैं वो सक्रिय हैं, जहां शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। यहां भोले भाले लोगों की, आदिवासियों की जमीनें गिरवी रख लेते हैं उनको, और ब्याज के तौर पर फिर उनको इतना प्रताड़ित करते हैं कि अपनी जान से तक उनको हाथ धोना पड़ता है। मैं बता दूं, पिछले साल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी वहां एक आदिवासी, विजय आदिवासी था, जहां उकावद में उसने चूंकि पैसे के लेन देन के चक्कर में आग लगा दी और उसकी जान चली गई हॉस्पिटल में, जहां पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी अभी जेल में, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उस गांव में पहुंचे
और वहां उसकी महिला विजय की पत्नी को एक सरकारी नौकरी देना पड़ी। ऐसा ही मामला गुना के कोतवाली में भी आया सामने, जहां एक सूदखोर की वजह से मकान गिरवी रख लिया और उसने भी आत्महत्या कर ली। तो तमाम जो बड़े कई मामले ऐसे हैं जहां सूदखोरों की वजह से लोगों को अपनी जान तक देना पड़ती है। जी बिल्कुल, यदि बात करें मोहन सूदखोरों के कारण परिवार का परिवार तबाह हो जाता है और तमाम कानून व्यवस्थाएं की बात होती है लेकिन उस पर अमल होता कुछ नजर नहीं आता है। जिस तरह जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कानून की बात करें अभी सूदखोर की वजह से ही, चूंकि जो विजय आदिवासी है उसने को जिंदा जलाया और इसके बाद अब जो राधेश्याम करके है वो आरोपी लोधा वो अभी जेल में है, चूंकि 302 का मामला दर्ज हुआ और उसमें बड़े लेवल पर चूंकि मुख्यमंत्री को तक गांव में आना पड़ा और उसकी पत्नी को नौकरी देनी पड़ी, तो मामला चूंकि वीडियो वायरल हुआ और ये चीजें मीडिया में आई और इसके बाद एक्शन लेना पड़ा। कई ऐसे कानून हैं चूंकि, लेकिन भले ही कानून है लेकिन सूदखोर बड़े ही, चूंकि बैंकों में उनके चेकबुक्स होते हैं, अकाउंट खुलवा लेते हैं, उनके रख लेते हैं और इसके बाद इतना प्रताड़ित किया जाता है कि सूदखोर की वजह से जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको जान तक गंवानी पड़ती है। कई बार पैसे देते रहते हैं और लेते रहते हैं, इसके बाद भी चूंकि सूदखोर मानते नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कड़े कानून और बनाने चाहिए और इसको अभी सरकार पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कहा जा सकता है मोहन कि प्रशासन के ढीले रवैये के कारण भी जो सूदखोर है इनकी दबंगई जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सूदखोर है वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में रहते हैं, सपोर्ट लेते हैं चूंकि, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी जमीन गिरवी रख लेते हैं, एटीएम यहां तक कि एटीएम तक अपने पास रख लेते हैं, उनके जो पैसे आते हैं वो तक एटीएम से अपने निकाल लेते हैं। कई अभी कंपनियां चल रही हैं फाइनेंस, वो भी तमाम फाइनेंस के नाम पर उनको भोले वाले लोगों को फंसाते हैं और उनको ब्याज पर पैसे देते हैं और फिर इसके बाद वसूलते हैं। गुना जिले में बड़े लेवल पर जो सूदखोरों का जो काम चल रहा है, जिले सहित इसमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें अछूता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी चूंकि बमोरी जो विधानसभा है वो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं, भोले वाले लोगों को यहाँ पर फंसाया जाता है और फिर इसके बाद उनको ब्याज पर पैसे देने के बाद वसूला जाता है, जमीनें गिरवी रख ली जाती हैं, उनको ब्याज में ही वो जमीनें चूंकि रखते हैं और बराबर करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस और देखने की जरूरत है, जिला प्रशासन को भी। मोहन आपको रोकना चाहूंगी, भोपाल से हमारे संवाददाता कुमार संदीप जुड़ गए हैं। कुमार संदीप, तमाम कानून बनाए जाते हैं लेकिन यदि देखा जाए तो प्रशासन जो है सूदखोरों पर शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है, जिस तरह से इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। संदीप जी बिल्कुल, देखिए कविता, जिस तरह से सूदखोरी का मकड़जाल जो कर्मचारी हैं, असहाय लोग हैं या मजदूर वर्ग है या गरीब वर्ग है, सभी इस मकड़जाल और इस गोरख धंधे की चपेट में है। अगर बात की जाए भोपाल की तो चूंकि राजधानी है भोपाल, ऐसे में प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ है, चाहे बात की जाए रेलवे की, बैंकिंग सेक्टर की या फिर किसी अन्य विभाग की, जो सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी, जो निचले वर्ग के कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं इस सूदखोरी के जाल में अपने आप को पाए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें उलझे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सूदखोरों ने अपना एक नेटवर्क बना रखा है कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को ध्वस्त करने में प्रशासन भी नाकाम रहा है। सूदखोरी के जाल में जो निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं या फिर मजदूर होते हैं वो इसमें ज्यादातर फंसते हैं। उनकी पासबुक की बात की जाए या एटीएम की बात की जाए, सबसे पहले तो ये लोग उनकी मदद करने के बहाने जो है कुछ पैसा उन्हें देते हैं, फिर मनमानी ढंग से जो है उनसे जो ब्याज का पैसा है वो पहले लेना एक शुल्क के रूप में शुरू करते हैं, 1% के रूप में जो है वो शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो सूदखोरी है उसका खेल शुरू हो जाता है, एक सफेद का कागज पर एग्रीमेंट करा लिया जाता है, साइन ले लिए जाते हैं या एटीएम उसका रख लिया जाता है या बैंक की पासबुक के साथ साथ आधार कार्ड भी जो है वो रख लेते हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए सूदखोरी एक ऐसा दंश है जो कई परिवारों को राजधानी में भी निगल चुका है। हमारे साथ ऐसे ही एक रेलवे कर्मचारी है, उनसे जानते हैं किस तरह का ये सूदखोरी का धंधा है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। मेरा तो इसका एग्जैक्टली कुछ मालूम मेरे को नहीं है, सूदखोरी मैंने तो कभी कुछ लिया ही नहीं है,
पूरा की जानकारी में नहीं है। आपको यहाँ पता, ये तो मालूम है कि ब्याज ब्याज पर लेते हैं पैसे, उन्हें मालूम होगा, मैंने आज तक कभी ली नहीं है ब्याज पर पैसे, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आपने जो बोला वो बात सही है कि लोग डाल में फंसे हुए हैं, लेते हैं, उनके मुआवजे चुकाने पड़ते हैं, जो नहीं चुका पाते उनके ATM रख लेते हैं, घर पे कब्जे कर लेते हैं या जमीन हड़प लेते हैं, ऐसा बात सही होता है। आपने बोला वो बात सही है। कई परिवार सूदखोरी की वजह से बर्बाद भी हो चुके हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं, बर्बाद तो होना ही है, जो नहीं चुका पाते हैं, उनकी इनकम कम है, ज्यादा ले लिए, चुका नहीं पा रहे हैं, अब वो तो बर्बाद होंगे ही, उनके कब्जे कर जमीन ले लिए, उनके मकान पर कब्जे कर लिए, तो बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर जाएंगे। तो कई लोग ऐसे में सुसाइड भी कर लेते हैं, कई लोग जो है प्रशासन या पुलिस के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं मकड़ जाल और गोरख धंधा उनका बना ही रहता। लेकिन ऐसे उनको स्टेशन जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन शिकायत करनी चाहिए कि मेरा ऐसा है, औकात नहीं था, ले लिया, किसी वजह से नहीं चुका पाया, तो हमारे ये लोग जो मकड़ जाल में फंसा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों मदद करनी चाहिए, लोगों को पुलिस प्रशासन उनकी मदद करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कविता, हालांकि जो हमारे साथ थे उन्होंने तो इस तरह का कोई ब्याज या सूद नहीं ले रखा है, लेकिन उनका यही कहना है कि ये जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं परिवार के परिवार बर्बाद कर देता है, और कहीं ना कहीं इनका आतंक भी है इन हलकों में मौजूद रहता है। जो शासकीय कर्मचारी हैं या जो असहाय या निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनके जो दस्तावेज हैं वो बरामद कर लेते हैं, उनकी जो सीधे रतलाम से अमित निगम जुड़ गए हैं। अमित, रतलाम में मामला सामने आया है और पीड़ितों ने शिकायत भी की है इसकी, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सुदखोरों पर? देखो कविता, मैं बताना चाहूंगा कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं। मैंने पुलिस से जब आज आंकड़ों की बात करी तो पुलिस ने बताया कि 2020 21 22 23 में 18 56 18 6, यानी 18 20 में, फिर 56 21 में, फिर 22 में 18 और 6 प्रकरण अभी 2023 में दर्ज हुए। सबसे ज्यादा प्रकरण 2021 में दर्ज हुए थे, जब यहाँ के तत्कालीन पुलिस कप्तान गौरव तिवारी थे, उन्होंने विशेष अभियान चलाया था सूदखोरों के खिलाफ, कुछ नंबर जारी करे गए थे, कुछ कार्रवाइयां भी हुई थी, सख्त कार्रवाई हुई थी, जिसके चलते लोग सामने आए थे। कल के मामले की बात करें तो दो महिलाएं कल पहुंची थी जिला कलेक्टर के पास, वो भी उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उन्होंने यहाँ पर ठाकुरदास सतवानी नामक व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया था, एक महिला ने 2.5 लाख लिया था, एक ने 3.5 लाख लिया था, उससे उन दोनों से उनके ATM कार्ड ले लिए गए थे, ब्लैंक चेक पे साइन करवा लिया गया था, और कोरोना काल के पहले की बात है, तब से अभी तक वो ATM से उनके 10,000 और 15,000 रुपए निकाल रहा था, बता रहा था कुछ पैसा मूल में जमा हो रहा है, कुछ पैसा ब्याज में जमा हो रहा है। जब महिलाओं से पूछा तो अंतिम समय पे बोलता है कि ज्यादा आप लोगों ने कुछ करा तो तुम्हारे चेक बाउंस करके पुलिस से सजा करवा दूंगा, मतलब उनको पुलिस का भी डर नहीं है, उल्टे वो जो पीड़ित है उनको पुलिस का डर दिखाते हैं। अब बात की जाए तो सर्वाधिक अगर पीड़ित लोग यहाँ पे तो रेलवे में देखे जाते हैं, रेलवे में जो कर्मचारी है उसमें अधिकांश कर्मचारी इस मकड़ जाल में फंसा हुआ है, और देखा जा सकता है कि जब 1 तारीख है जब इनकी सैलरी मिलती है तो रेलवे के जो भी ATM है जहाँ से सैलरी वगैरह निकालते हैं वहां पर ये सूदखोर पहुंच जाते हैं और वहीं से उनके पैसे घर पर ले जाते हैं, यानी जिस व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई मिलती है वो घर भी नहीं ले जा पाता और सीधे सीधे सूदखोर की जेब में चला जाता है। जी जी अमित, आपने बताया जिस तरह से कि जो पीड़ितों को जो ये सूदखोर हैं वो धमकी देते हैं पुलिस का, और सूदखोरी का जो मामला है एक बड़ा मकड़ जाल है, लोग उसमें फंसते जाते हैं और इतना फंस जाते हैं कि लोगों को आत्महत्या तक करना पड़ जाता है, परिवार के परिवार, तो क्या कहीं ना कहीं इन सूदखोरों को किसी का संरक्षण है जो कि इनको धमकाया जाता है पीड़ितों को सूदखोरों के द्वारा? देखिए, पहले अपने आप में ये सूदखोर इतने दबंग होते हैं कि इनके सामने आदमी बोल नहीं पाता और डरता है पुलिस में जाने में, अगर पुलिस में भी चल जाता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई में लेट लगती थी, नजर आती और उसके दौरान ये उसमें भी पिसता रहता है। अभी जैसे बात करें कि कल जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें जब कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के द्वारा CSP को बोला गया और CSP ने मामले की जांच कर प्रकरण दर्ज करा, इसमें ऋण संरक्षण अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर लिया गया और 384 कोई धारा लगाई गई है जो कि अवेलेबल ऑफेंस है, व्यक्ति सीधा थाने से घर चल गया, आप जमानत करा लेगा और ठीक है, उसके पीड़ित परिवार को तो सहायता मिल गई, परंतु अधिकांश परिवार इसलिए बाहर नहीं आता है, उसकी कुछ न कुछ संपत्ति भी गिरवी देती है या फिर कहीं ना कहीं वो इस प्रकार मकड़ जाल में फंस जाता है कि इन सूदखोरों के खिलाफ बोल नहीं पाता, इसी कारण इन सूदखोरों के हौसले रतलाम में बुलंद होते जा रहे हैं और कई लोग इनके मकड़ जाल में फंस चुके हैं और फंस रहे हैं। यही नहीं, इनके द्वारा जो ब्याज की दर ली जाती है वो 10 20 30% तक भी होती है, और ब्याज देने के बाद अगर एक दिन व्यक्ति लेट हो जाता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है,
पेनल्टी नहीं देते तो उनसे पठानी वसूली की जाती है। यहाँ तक बताया जाता है कि इन सूदखोरों ने अपनी दुकानों में कहीं पे ठिकानों पे ऐसे रिमांड रूम बना रखे जहाँ पे पीड़ितों को बुला के प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है। मोहन आप बने, अमिताभ बने रहेगा, सीधे चलेंगे गुना मोहन के पास। मोहन, जिस तरह से अमित बता रहे थे कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो शिकायत है, जो कार्रवाई है, उसमें लेट लतीफी होती है, तो यदि पुलिस द्वारा सही जांच कर ली जाए, शिकायत कर ली जाए, जल्द कार्रवाई कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि जो पीड़ित है उसको अपनी सक्रियता दिखानी होगी और डर से निकलकर सामने आना होगा और कंप्लेंट्स करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो सूदखोरों का मकर जाल है वो सबसे ज्यादा जो है टारगेट जो रहता है उनका गरीब मजदूर वर्ग और कर्मचारी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट रहते हैं जिनको वो, चूंकि कर्मचारी यहाँ पर कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके उन्होंने चेक रख लिए हैं और उनको चेक रखने के बाद कई मामले तो यहाँ गुना में 2 से 3 मामले मेरे खुद संज्ञान में है, जो क्योंकि न्यायालय में होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर, तो ये उनको टारगेट करते हैं, उनको पहले ब्याज पर पैसा दे देते हैं, उनके चेक रख लेते हैं और फिर चेक के बहाने क्योंकि बाउंस करवाकर और उनको न्यायालय में लगा देते हैं और फिर उनको सजा तक कराते हैं। तो सजा के डर की वजह से जो लोग हैं वो या तो आत्महत्या करते हैं और नहीं देते, अगर वो पैसा ना चुका पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन है या वो बिक्री करके उनको तमाम तौर पर प्रताड़ित करते हैं। तो जो उनके सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो कर्मचारी और गरीब वर्ग ही होते हैं। जी जी बिल्कुल। कुमार संदीप आपके पास आएंगे। जिस तरह से आपने सुना अमित बता रहे थे रतलाम की पूरी घटना और मोहन बता रहे थे गुना से, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो सितम है सूदखोरों का वो बढ़ता ही जा रहा है और भोले भाले लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है, मकर जाल में लोग फंसते जा रहे हैं, तो किस कब लगेगा इस पर शिकंजा? संदीप जी बिल्कुल। देखिए कविता, जिस तरह से ये एक तरह से कहा जाए तो एक एक मॉड्यूल जो है वो तैयार हो चुका है इसका, और कहीं ना कहीं ये जो गोरख धंधा है एक नेटवर्क के माध्यम से चल रहा है। जो निचली बस्तियां होती हैं या मजदूर वर्ग होता है या फिर जो निम्न कर्मचारी होते हैं जिनकी सैलरी 20-22 हज़ार होती है, कहीं ना कहीं पहले ये उनको मदद का भरोसा देकर पैसा देते हैं और फिर विश्वास बढ़ाकर उनसे जो है ब्याज वसूलना शुरू करते हैं, इसके बाद ये पूरा खेल शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। कुमार संदीप आपको रोकना चाहूंगी, रतलाम से कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र सुरवंशी जी। नरेंद्र जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के चर्चा में। सर क्या कुछ मामला दो पीड़ित लेकर आए थे आपके पास? देखिए कल जनसुनवाई के दौरान दो महिलाएं आई थी, उनका कहना था कि ये जो दोनों बंधु थे इनका ये इनसे उन लोगों ने पैसे लिए थे, लगभग दोनों ने लगभग 2.5 लाख रुपए लिए थे 5 साल पहले। एक का वो 10 हज़ार रुपए महीना लेता था, एक का 15 हज़ार रुपए महीना लेता था। इस तरह से वो 1 से 6 लाख रुपए ले चुका था, 1 से 2 लाख रुपए लगभग ले चुका था। उनका कहना ये भी था कि हम इनको बराबर पैसे देते लेकिन इन्होंने आज तक इन्होंने इनकी वसूली इनकी बंद नहीं करी और इवन ही उनके एटीएम कार्ड वगैरह भी उन लोगों ने रख लिए हैं। इस बात को संवेदनशीलता पे लिया गया था और उन्होंने वही जनसभा में इनको बैठाया था, बैठा के फिर जो जिनके विरुद्ध शिकायत थी दोनों को बुला के बातचीत करी थी। बातचीत में हमें लगा कि प्रथम दृष्टिया ये मसला जो है वो आपत्तिजनक है और वो अपने लाइसेंस का भी दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि उसको शायद साहूकारी का लाइसेंस भी है उसके पास में, पर चूंकि जो उसमें एटीएम के कार्ड रख रखे थे, चेक ले रखे थे, तो वो गंभीर रूप से आपत्तिजनक था। तो तत्काल चूंकि भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करना शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है ताकि हम लोग चैन से जीवन व्यतीत कर सके, उसी के तहत इसको कार्रवाई करते हुए मौके पे सीएसपी को बुलाया गया। एसपी साहब से बात की गई, एसपी साहब ने तत्काल उस पर एक्शन लिया और फिर कल आज शायद उनके विरुद्ध प्रकरण दायर हुआ है। ऐसा हम लोग इस तरह की कार्रवाइयां समय से पर हम और एसपी साहब टेकअप करते रहते हैं जिसकी समीक्षा भी शासन स्तर पर समय समय पर होती है। ये यही मुद्दा है और इस तरह की कार्रवाई को लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, इस तरह की कार्रवाई को, और भी लोग हमारे पास आएंगे तो हम उनका समय समय पर समुचित निराकरण करेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने अच्छी कार्रवाई की है और आगे इस तरह के मामले ना आए और क्या कुछ ऐसी कार्रवाई की जाएगी?
हाँ देखिए, उसमें हम लोगों ने एसपी साहब ने एक इसमें एक नंबर जारी किया है पुलिस डिपार्टमेंट का इस घटना को देखते हुए, और उस पर पुलिस अपना जो इन्फॉर्मेशन और भी लोगों की है, जो लोग उनको रिक्वेस्ट करे उनको कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो अवैध कब्जे हैं, इसके अलावा या फिर ये साहूकारी के जो इलीगल बिजनेसेस हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक दल भी बनाया है जिसमें एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को हम लोगों ने रखा है, और वो उसकी समीक्षा करते हैं, समीक्षा करके फिर दोषी पे कार्रवाई करते हैं। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी नमस्कार। अमित, आपने सुना कि रतलाम के कलेक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे, अमित, कि किस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं जो पीड़ित होते हैं। अभी के कलेक्टर साहब हमेशा संवेदनशील रहे, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, कल भी उन्होंने इसको संवेदनशीलता से लिया था, यही कारण है कि उन पर तत्काल प्रकरण दर्ज हो गया है। और जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने बताया कि अगर उनके एसपी के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से स्वराज एक्सप्रेस अपील करता है ऐसे पीड़ितों से कि अगर आप भी किसी प्रकार से पीड़ित है तो बिना डरे इस नंबर पर कॉल करिए, और हम पुलिस प्रशासन से भी अपेक्षा करेंगे कि अगर इस नंबर पर कॉल आता है तो उनके समुचित निराकरण हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े, थाने आदि के चक्कर नहीं लगाने पड़े, कागज आदि लेके इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े, सीधे सीधे अगर उसकी समस्या और उसके सामने कोई सबूत प्रस्तुत करता है पुलिस के तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कविता जी बिल्कुल। संदीप, हमारे साथ रतलाम से कलेक्टर साहब जुड़े थे, वो तमाम जानकारियां बता रहे थे कि जो पीड़ित होते हैं उनको कैसे शिकायत करनी चाहिए। अच्छी पहल है संदीप। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रतलाम कलेक्टर ने कहा, कहीं ना कहीं कविता आपको बता दें कि सूदखोरी के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान जरूर चलाता है और बात भी करता है कि इस तरह के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर कविता जो नगर निगम है उससे इस तरह के जो लाइसेंस हैं ब्याज को लेकर वो लगातार जारी हो रहे हैं। अगर इस तरह से ही लाइसेंस जारी होते रहेंगे, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, वहां से एक निश्चित शुल्क पर जो है इसका लाइसेंस लिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो जिस तरह से मामले अब सामने आ रहे हैं कि जो शोषित और पीड़ित हैं उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके कोर्ट में चेक बाउंस कराए जाते हैं, उनके मकान की रजिस्ट्री जो है वो रख ली जाती है, बैंक पासबुक एटीएम रख लिया जाता है, ये कहीं ना कहीं उन नियमों शर्तों और उन कानून का भी उल्लंघन है जो नगर निगम से जिस तरह से लाइसेंस जारी होते हैं या जिला प्रशासन जिन पर अंकुश लगाने की बात कहता है। तो कहीं ना कहीं जब लाइसेंस ही ऐसे जारी होते हैं उसी समय अगर इसकी कवायद कर ली जाए कविता, तो ऐसी घटनाएं और इन लोगों का जो नेटवर्क और आतंक है वो कहीं ना कहीं जो है वो नेस्तनाबूद होगा, और आने वाले दिनों में ऐसे जो पीड़ित हैं वो खुलकर सामने भी आएंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन तक अपनी बात भी रख सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि जिस तरह से पहले लाइसेंस जारी होते हैं नगर निगम नगर पालिका से जो ब्याज के लाइसेंस, उन पर जो है कड़ाई से पाबंदी लगाई जाए और जो कानून बने हैं उनका जिला प्रशासन पूरी तरह से पालन करवाए, तब ऐसी घटनाएं जो है वो रोकी जा सकती है। कविता बिल्कुल। मोहन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि यदि पीड़ितों की बात करें जो सूदखोरी से परेशान है, ऐसे गुना में कितने आंकड़े सामने आ चुके हैं? क्योंकि इस मामले में अभी तक क्योंकि आंकड़े तो नहीं जुटाए गए हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले हुए हैं और इनका अगर लोग इस्तेमाल करें तो इनसे निजात पाया जा सकता है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रतलाम जो जिला प्रशासन है उसने इस तरह की जो पहल की है वो निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है और लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि और अन्य जिले भी प्रदेश में इस तरह की अगर नंबर अपने फ्लैश करें दिखाएं तो इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और तमाम हमारे साथ जी मोहन, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व आईपीएस जीके पाठक जी जुड़ गए हैं जो कि काफी अपने कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, थैंक यू। जी सर, सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि सूदखोरों का जो मध्य प्रदेश में सितम जो है वो जारी है और कई ऐसे परिवार हैं जो परिवार के परिवार आत्महत्या कर लेते हैं सर। देखिए क्या है कि नंबर वन तो यह है कि जो लीगली जो सूदखोर हैं, लीगली जो सूद का जिनको दिया जाता है, मतलब आप कहिए कि लाइसेंस दिया जाता है, वो तो गड़बड़ नहीं कर पाते हैं जी। और दूसरा वो भी गड़बड़ करते हैं क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग बेसिकली तहसीलदार लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होती है तो बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी अब तो एक्ट वगैरह में मेरे ख्याल से सुधार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ है ये सूदखोरी शुरू कहाँ से होती है। जब मैं एससी मंसूर था, मुझे लगभग 28 करोड़ की जमीनें मैंने वापस कराई थी,
ये सूदखोर क्या करते हैं कि लोगों की जमीन जैसे उनसे पैसा ले लेंगे और पैसा देंगे उनको, बहुत थोड़ी अमाउंट देंगे क्षमा करिएगा जी, उनको थोड़ी सी जैसे 10,000 रुपया देंगे, 10,000 के बदले में खेत रख लेंगे जी, फिर क्या है कि उस पर ब्याज से ब्याज इतना चढ़ा देंगे कि वो आदमी उनको लौटा ही नहीं पाता है जी। मैंने कभी 1,00,000 में ऋण पे, एक बार हमने मंदसौर में ही एक 5 एकड़ जमीन जो उसकी रखी हुई थी वो बेचारा कभी लौटी नहीं, फिर बाद में हम लोगों ने लौटाई थी, ऐसे करीब सैकड़ों मामले हुए थे जी। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली चीज को थाना लेवल पे जब ऐसी एप्लीकेशन आती है उसको बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए, जब तक पब्लिक को नहीं पता लगता है कि सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी। और तब तक वो उनके चंगुल में फंसते रहते हैं, नंबर वन। दूसरी बात, हमारा जो कॉमन मैन को, अब तो किसानों को ऋण बहुत इजीली मिल रहा है, लोगों को पता नहीं रहता है जी। और लोगों के कागज सफिशियंट नहीं होते हैं, जो हमारा ऋण देने का सिस्टम सरकारी समय का बहुत अभाव है। हमारे दर्शकों को तमाम कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोहन आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी खास पेशकश, नमस्कार। क्लोजिंग कर।